नमस्कार, मैं आपका भाई छोटू तबाही। खबर ये है कि श्रेया केस मामले में बहुत लोगों का उम्मीद जगा हुआ था कि श्रेया का हुआ क्या। जी हाँ, श्रेया केस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जो कि बबलू चंदा गेस्ट हाउस, जो कि नबीनगर में स्थित है, जिसका मालिक राकेश कुमार सिंह और उसका छोटे भाई धर्मेंद्र कुमार सिंह, उसी के कमरे में उस बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया गया था। उसके बाद गला दबाकर उसको मारा गया था। आज उस बच्ची इस दुनिया में नहीं है, लेकिन खबर ये है कि अल्टो कार, जिस गाड़ी का प्रयोग किया गया था, जो कि अल्टो कार में उस बच्ची को डिक्की में डालकर उसके शव को इंद्रपुरी बराज के पास ले जाया गया था और सभी लोगों की आज गिरफ्तारी हो गई है। यह सबसे बड़ी खबर है, जो कि मैं आपको बता दूं कि राकेश कुमार सिंह, उसके छोटे भाई धर्मेंद्र कुमार सिंह, जो कि बबलू चंदा गेस्ट हाउस के मालिक हैं, उस होटल के रूम में कौन कौन लड़के आए थे, कौन कौन लड़के नहीं आए थे, उसकी गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन जिस अल्टो कार में उस बच्ची को ले जाया गया था, अल्टो कार भी जब्त किया गया है और अल्टो कार के साथ साथ उस बच्ची को जो लोग भी इस अंजाम तक पहुंचाए थे, सभी तक पुलिस पहुंच चुकी है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा औरंगाबाद जिले के एसपी साहिबा को, जो कि इस कांड में थोड़ा सा सावधानियां बरती उन्होंने, और एक सप्ताह हो गए थे, लेकिन एक सप्ताह के बाद ही खुलासा हुए। मी न्यूज मैं भी बनाना छोड़ दिया था, लेकिन एसपी साहिबा ने आज खुलासा कर दिया उस बच्ची के बारे में, यानी कि श्रेया केस मामले में। उस बच्ची के परिवार के ऊपर भी लोगों का शक बहुत गहराया हुआ था। काफी लोग अगल बगल से कान में भर रहे थे कि उस बच्ची का माँ का हाथ होगा, बच्ची का पिता का हाथ होगा, बच्ची की माँ सौतीली माँ थी, बच्ची के नाम से जमीन था, बहुत तरह के लोग कयास लगा रहे थे, लेकिन जी नहीं। बच्ची के मैंने लगातार इस बात पर आरोप लगाया था कि मेरी बच्ची के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, बुरा हुआ है, इस कारण मेरे बच्ची के साथ लोगों ने ऐसा ऐसा काम किया। और मैं आपको बता दूं कि उस बच्ची के साथ एक दिन तक उस होटल में, बबलू चंदा होटल में, गलत काम किया गया था। आप समझ सकते हैं कि आगे मैं कहना क्या चाहता हूं, हर बात बताना ही आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो भी दरिंदे हैं, सभी दरिंदों को अगर स्पीड ट्रायल कराकर सजा नहीं दिलाया जाए तो ये बिल्कुल कम हो रही है। क्योंकि भैया, जिस तरीके से श्रेया केस मामले में जिस तरीके से श्रेया का बॉडी हम लोगों को देखने को मिला था, ये काफी बिहार नहीं, यूपी नहीं, तमाम भारत को झकझोर कर रख दिया था। तो श्रेया कांड मामले में हो गया है खुलासा। श्रेया कांड मामले में अभी देखते हैं कि खुलासा तो हुआ है, राकेश कुमार सिंह और उसके भाई धर्मेंद्र कुमार सिंह की गिरफ्तारी हुई है, जो कि बबलू चंदा होटल का मालिक था, उसको पुलिस स्पीड ट्रायल कराकर कब सजा दिलाती है, उसके साथ क्या होता है, कब उसके साथ ये बहुत बड़ा सजा उसका सुनाया जाएगा, अब हम लोग को यही देखना बाकी होगा। लेकिन लड़की के पिता, लड़की के माता ने लड़ने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ा, और लड़की के माता और पिता हमेशा उसके लिए लड़ेंगे, क्योंकि श्रेया जो है कि श्रेया उस घर के लिए एक बहुत ही तेज तरार, बहुत अच्छी पढ़ने वाली बच्ची थी, बहुत अच्छी पढ़ने लिखने वाली लड़की थी, लेकिन उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। दुर्व्यवहार के साथ साथ दरिंदों ने उसको मौत के घाट पहुंचाया। तो मैं चाहता हूं पुलिस प्रशासन, चाहे औरंगाबाद जिले के पुलिस प्रशासन के, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सर कि मैं बाल मुड़ा लिया, क्योंकि खबर ये थी कि मछली बाल खा गई, ओठ बाल खा गया, दांत बाल खा, मछली खा गया, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रेया के साथ जो हुआ था, इसका खुलासा हो गया है। तमाम अल्टो कार जो जब्त हुई है कार, उस कार के साथ में जो भी बच्ची के साथ ले गए थे, कौन कौन से रोड का उपयोग किए थे, कौन कौन से मार्ग का प्रयोग किए थे, तमाम रोड मार्ग का खुलासा हो गया है। मैं चाहूंगा श्रीमान एसी महोदया से कि पीड़ित परिवार को आप लोग इंसाफ दिलाइए, इंसाफ दिलाने के साथ साथ श्रेया को आप लोग इंसाफ दिलाइए। श्रेया के साथ साथ उसके परिवार काफी तड़प रहे थे, और परिवार के ऊपर भी हल्का हल्का कान में बात आने लगी थी कि परिवार के लोगों का ही हाथ होगा। मैं आपको एक खुलम खुला बात बता रहा हूँ, इसलिए मैं 5 दिन से न्यूज बनाना बंद कर दिया था, इसलिए कि श्रेया के परिवार के ऊपर ही जब आरोप लग रहे थे, तो मैं भी देखना चाह रहा था इसका खुलासा क्या हो रहा होता है,
क्या हो रहा है, लेकिन इसका खुलासा श्रेया का हो गया है। लेकिन अपराधी को जल्द आप लोग हॉस्पिटल कराकर जो भी कठोर सजा होगी उसको आप लोग सुनाने का प्रयास करें। हालांकि एसपी साहब को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम नवीनगर थाना प्रभारी को धन्यवाद, पंकज पांडे जी को धन्यवाद, तमाम हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के पवन साहब पवन सिंह को धन्यवाद, तमाम हमारी बहन बीना मानवी जी को भी धन्यवाद कि आप लोगों ने श्रेया केस में आप लोगों ने लड़ा और श्रेया को आप लोगों ने इंसाफ दिलाया। लेकिन श्रेया केस में राकेश सिंह की गिरफ्तारी हुई है जो कि बबलू चंदा होटल के मालिक हैं। दूसरी बात यह है कि धर्मेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हुई है। तमाम लोगों को गिरफ्तारी होने के बाद जो खबरें आ रही है सभी लोगों को सलाखे के पीछे भेजकर हॉस्पिटल करके दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलाया जाए ताकि ऐसे ऐसे दुस्साहस करने वाले लोगों को ज्ञान हो, अकिल हो और श्रेया बहन से लेकर नवीनगर विधानसभा में यानी कि तमाम बिहार के लोगों को मैं जागरूक करना चाहता हूं। तो बिहार में ऐसा कोई करतूत करने से पहले सोचे, लेकिन श्रेया के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ था। फिलहाल इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, और मैं कल श्रेया घर पर भी जाऊंगा, श्रेया के परिवार के लोगों से भी जानूंगा कि श्रेया का परिवार इस केस में कितना लड़ेंगे। हालांकि श्रेया के माँ बाप का दर्द आपको मैं दिखाया होगा, लेकिन उस माँ बाप का दर्द को कोई समझने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैं उस दर्द को समझता हूँ। तो चलिए फिलहाल इतना ही हमारे पास अपडेट था कि श्रेया का जो भी कातिल थे वो पुलिस के पकड़ में आ गए हैं। श्रेया के साथ में बबलू चंदा होटल में उसके साथ गलत काम किया गया था और श्रेया के साथ में जिस तरीके से लोगों ने डिक्की में लाद कर ले गया था और श्रेया को इंद्रपुरी बराज के ऊपर फेंका था, तो सभी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। फिलहाल इतना ही आपका भाई छोड़ता है।